ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. ओपन योर टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 4.1, 4.2 एंड 4.3 आपने खुद करना है. 4.4 पे मूव करते हैं. आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं वो जस्ट आंसर्स हैं. क्वेश्चंस आपने खुद अपनी बुक से पढ़ने हैं. मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आप देखें. 4.4 क्वेश्चन, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस. द आंसर इज मेथड्स ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस. जब आपको मैं ये चैप्टर करवा रही थी उसके मिड में आपको मैंने कुछ 3 मेथड्स बताए थे. मेथड्स बताए थे कि आप किस तरीके से फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स में, ठीक है. लेकिन स्केलर में तो जस्ट ही होता है ना कि आप एलजेब्रिकली उसको कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर्स में थोड़ा डिफरेंट होता है. सबसे पहले आप करते हैं स्केल सिलेक्शन. सेकेंड आपका मेथड होता है बाय हेड टू टेल रूल. द थर्ड वन इज़ रिजल्टेंट फोर्स. द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. इसमें आपने फुल टॉपिक 4.3 अपना लिखना है, ठीक है. 4.6 क्या है, व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. हम कब कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है. बॉडी कब इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है, व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी. जब कोई भी फोर्स बॉडी पे एक्ट ना हो रही हो देन इट इज़ सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, आ जाती है. 4.7 इज़ एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. राइट फुल टॉपिक 4.6 आपका फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही है, आपने वो खुद लिख लेना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाई देर इज़ अ नीड ऑफ सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. जब आपको मैं एक टॉपिक करवा रही थी इक्विलिब्रियम कास्ट कंडीशंस का, मैंने आपको कहा था बेशक फर्स्ट जो है कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन सेकेंड कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, ठीक है. दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है. समेशन आंसर पे देखते हैं. समेशन एफ मीन्स के सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल्स टू जीरो. टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग अलॉन्ग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन विल प्रोड्यूस रोटेशन. रोटेशन कब प्रोड्यूस होती है, जब आपके पास 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे तो ही रोटेशन प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी. सेकेंड कंडीशन में आपने यही पढ़ा था ना कि जितनी भी आपके पास टॉर्क्स हैं टॉर्क प्रोड्यूस होगा. फर्स्ट में तो आपने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, सेकेंड में आपने टॉर्क्स के बारे में पढ़ा था. इसलिए सेकेंड को रीड करना, सेकेंड आपके पास इसीलिए कंपलसरी होगी कि आप इसके 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी तो ही उनमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका आज के एक्सरसाइज का एंड हुआ. रिमेनिंग क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे. अब डायरी की तरफ चलते हैं. योर डायरी इज़ हैव यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस एंड राइट एट लीस्ट 1 टाइम. आपने इसको याद करना है इन सब क्वेश्चंस को, और जो पीछे आपने एक टॉपिक पढ़ा है स्टेबिलिटी का उसको भी आपने लर्न करना है, और मैक्सिमम एक दफ़ा इसको लिखना भी है ताकि आपको जो चीज़ लिखी हुई होती है वो आपके माइंड में सही से बैठ जाती है, ठीक है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.